अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आया हूँ नबील भाई के घर पे और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपके लिए जो भी वीडियोस बनाऊँ उसमें आपको मुकम्मल जो है वो डिटेल दूँ। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिस पे जो है वो किसी ना किसी के साथ मिलके जो है वो वीडियो जो है वो बनानी चाहिए। समटाइम मैं कोई चीज़ भूल जाता हूँ, तो जब दो प्रोफेशनल लोग मिलके जब एक वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है मैं कोई चीज़ मिस कर दूँ, तो ये उसको हाईलाइट कर दें, या ये जो बता रहे हैं और ये कोई भूल गया तो मैं उसको हाईलाइट कर दूँ। तो अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, क्या हाल चाल? थैंक यू वेरी मच जिब्रान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नबील भाई आपका टाइम देने का। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। आज की जो वीडियो का टॉपिक था वो बहुत ही अहम टॉपिक था जिसका लोगों को पता ही नहीं है और किसी ने इस पर कोई वीडियो बनाई नहीं है, बिल्कुल भी लोगों को इस पर नॉलेज नहीं है। और इस साल तो मुझे इतने लोगों का जो कॉल्स आई और मैसेजेस आए, लोगों ने तस्वीरें भेजी कि जो है उनके रिंगनेक के बच्चे जो है वो अपने फीदर्स लूज कर रहे हैं और उनकी टेल्स उतर रही हैं। लोगों को पता ही नहीं कि ये बेसिकली ये चीज़ क्या है और ये क्या डिजीज है और ये कितनी खतरनाक है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। आज जो है वो हम PDFD के बारे में बात करेंगे, जिसको फ्रेंच मोल्ड भी कहते हैं। फ्रेंच मोल्ड भी एक और अलग डिजीज है, लेकिन दोनों ये चीज़ें मिलती जुलती हैं और ये आपके लिए, आपके शेड के लिए, आपके बर्ड्स के लिए इंतहाई खतरनाक है। तो जो है नबील भाई, हमें हमारे दोस्तों को बताएं कि ये क्या चीज़ है और ये कितनी ख़तरनाक है और जिन दोस्तों ने ये लिए हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। जी बहुत शुक्रिया जिब्रान भाई, बड़ा अच्छा आज का जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया। बिल्कुल ऑब्वियसली ये जो मॉडर्न एग्रीकल्चर जिसके जो आज का दौर चल रहा है, जिसमें हैंड फीडिंग का रूज है और बच्चे जो ना बहुत ज़्यादा शौक के साथ हैंड फीडिंग के लिए बच्चे लेके जाते हैं, बच्चों में बाद में फैदर डिजीज़ आ जाती है और बच्चे बड़े परेशान हैं, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उनके बेचारों की चले जाती है। तो बेसिकली इसको डिजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये इतनी बड़ी थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के तमाम जो वाइल्ड बर्ड्स हैं या जो आप कैप्टिव ब्रीडिंग जो आप कराते हैं उनके लिए, डोमेस्टिक बर्ड्स के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है लीथल एक किस्म की बीमारी है। बेसिकली पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ बीमारी है क्या, इसकी वजह से क्या क्या होता है। इसका बेसिकली ये एक वायरस डिजीज़ है जो कि पेस्टिसिन बीक एंड फैदर डिजीज़ के नाम से इसे जाना जाता है वर्ल्ड वाइड। इसका जो कॉजिटिव एजेंट है वो जो जिसकी वजह से होती है एक वायरस है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जिसके जिस तरह वो फैल रहा है, इसका अननोन रीज़न होती है, फैल रहा है वायरस, मल्टीप्लाई कर रहा होता है और बहुत सारे मवाद का बस बन रहा है, बिल्कुल इसी तरह भी ये भी एक पेस्टिसिन बीक एंड फैदर डिजीज़ वायरस है। ये वायरस के साथ होता है, वायरस होता है, इसमें DNA होता है, RNA होता है और बाकायदा जो PCR जो टेक्नोलॉजी पॉलीमर चेन रिएक्शन के थ्रू इसको जो आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू ब्लड सैंपल्स। तो इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंप्लेन करके उनके फैदर जो है झड़ने शुरू कर देते हैं, उनके फॉलिकल्स ख़राब हो जाते हैं, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, बच्चा मर जाता है। सबसे पहले ये जो है ना ऐसे इम्यून सिस्टम जिन बर्ड्स का वीक होता है, आपको पता है बच्चे सबसे पहले जिनका इम्यून सिस्टम जो है ना वो सबसे ज़्यादा वीक होता है, तो बच्चों पे सबसे ज़्यादा ये अटैक करता है, जिसकी वजह से बच्चों के फॉलिकल्स जहाँ से पर निकलते हैं वो ख़राब होना शुरू कर देते हैं, या बीक की मैल फॉर्मेशन, बीक सही तरह नहीं बनती, या उसके क्लॉज, उसके पंजे ख़राब होना शुरू करते हैं, या नेक्रोसिस, तोड़ फोड़ का अमल स्टार्ट हो जाता है। बर्ड जो ना, बच्चा जो ना बिल्कुल थोड़े ही दिनों में 2 वीक्स के अंदर जो ना बच्चा एक्सपायर हो जाता है। अगर इसकी मैं हिस्ट्री के ऊपर जाऊँ तो सबसे पहले 1988 में एडवन एशबाय था, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर था, साइंटिस्ट था, उसने रेड रंप के जोड़ों में एक फ्लॉक देखा जिसके इस तरह फैदर्स नहीं थे। 1988 में ये डिस्कवर्ड हुआ था, लेकिन उस वक्त इतनी रिसर्च नहीं हुई, बाद में वो कहते हैं कि वो जो डिसअपियर हो गया जंगल में से, रेड रंप का जो, वो खुद ब खुद मर गए। लेकिन जो बाकायदा तौर पर दोबारा ये एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर में आया 1972 में, ये दोबारा से आया और उस ऑस्ट्रेलिया में आया और उसमें सल्फर क्रेस्टेड जो कॉकटूज थे, लिटिल कोरेलास थे या उनके रेड रम्प्स थे, उनमें ज़्यादा इसने सराहियत की और उसके बाद बहुत ज़्यादा ये डिजीज़ फैली और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ।
इसका फर्स्ट केस जो 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की, उसके मुताबिक जनाब इन्होंने इसको साइंटिफिकली इसको एज अ डिजीज देखा। बेसिकली इसको उन्होंने वर्ड दिया है सिंड्रोम। सिंड्रोम और आम डिजीज में जबरान भाई फर्क ये होता है, डिजीज होती है एक बीमारी, एक मिसाल के एक जो ना आपको चेस्ट इन्फेक्शन हुई है, लेकिन अगर आप उस चेस्ट इन्फेक्शन के साथ साथ आपको दूसरे बीमारियां, बुखार भी होना शुरू हो गया, आपकी किडनी भी फेल होने शुरू हो गए या दूसरी बीमारियां साथ लग गई, तो उसको कहते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम है बीमारियों का मजमुआ। अगर बीमारी एक है तो वो है डिजीज, अगर बीमारियां मिल जाएं और बहुत सारी बीमारियां बन जाएं तो उसे कहते हैं सिंड्रोम। इसमें भी ये जो बीक एंड फैदर डिजीज है, ये स्टार्ट तो शायद फॉलिकल से होती है, परों से स्टार्ट होती है, लेकिन उसके जो जो ना बीक भी मुतासर हो जाती है, उसकी टेल भी मुतासर हो जाती है, उसकी स्किन भी मुतासर होती है, उसकी एपिटाइज, उसको भूख नहीं लगती, उसका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है और दो हफ्ते के अंदर अंदर जो ना बर्ड मर जाता है। इसकी डिटेक्शन के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि जो टेस्ट है वो है पीसीआर टेक्नोलॉजी के साथ, जिस तरह हमारे हेपेटाइटिस के टेस्ट होते हैं या अभी ये जो आपके कोरोना वायरस का टेस्ट होता है, क्योंकि वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, वो उसको आरएनए जो डिजीज कैरिंग जो होता है, विरुलेंट जो होता है, जिसकी वजह से डिजीज होती है, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से वो पता चल जाता है कि ये वायरस है। इसके कॉजेज दो, इसकी दो तरह से फैलता है इमरान भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमारे बच्चों को, हमारे एग्रीकल्चरल हजरात को पता होना चाहिए कि वर्टिकल ऊपर से नीचे और हॉरिजॉन्टल राइट से लेफ्ट, यानी कि अगर माँ बाप हैं अफेक्टेड हैं और उनके बच्चे जो जितने निकलेंगे वो जनाब माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होगी और वो बच्चे जो ना इसका शिकार, इस वायरस का शिकार हो जाएंगे और वो बच्चे जहाँ जाएंगे वहाँ वो बर्ड भी इन्फेक्टेड होएंगे। एब्सोल्युटली तो ये जो बच्चे लेके जाएगा वो समझ लो कि वो अपने घर में अगर वायरस को मधु कर रहा है, जैसे ये कोरोना के केस में कहते हैं बाहर ना जाए, बाहर से चार नहीं लेके आए, क्योंकि वो आपके घर आ जाएगा, आपके घर आ जाएगा। जो बच्चे आप इस तरह अफेक्टेड बच्चे लेके जाएंगे वो जाके आपके घर अफेक्टेड होंगे। लिहाजा जो एक बेसिक चीज जो है, गलती जो हम करते हैं बच्चे लेने वाले हजरात या जो बच्चे हैंड फीड करते हैं, कि सबसे पहले वो देखते नहीं है कि रिलायबल ब्रीडर है कि नहीं है। रिलायबल ब्रीडर है मतलब बच्चे लोगों ने इकट्ठे करने शुरू किए, अब छोटा बच्चा है उसमें तो नहीं पता चलेगा कि ये इन्फेक्टेड है कि नहीं। हाँ, तो सबसे बेहतर ये बात यह है कि जब भी आप बर्ड्स खरीदें तो रिलायबल ब्रीडर से खरीदें जिसकी हिस्ट्री आपको पता हो या जिसके घर आपका आना जाना हो, उसकी ब्रीड होते देखा हो, उसके बच्चे सेल्फ होते देखे हों। अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो ना अनजाने में आप ऐसी बीमारी का शिकार होंगे जिसकी वजह से आपके तमाम का तमाम फ्लॉक जो है ना वो डिस्टर्ब होगा। एक तो ऊपर से माँ बाप से बच्चों को ट्रांसफर हुई, वर्टिकल ट्रांसमिशन हुई इसकी, दूसरी ट्रांसमिशन होती है हॉरिजॉन्टल, यानी कि आपने बर्ड एडल्ट बर्ड ले है जो ऑलरेडी इसका अफेक्टेड थे वायरस के कैरियर थे, उन्होंने क्या किया कि आपके घर में आपके हेल्दी जो बर्ड्स थे उनको सबको लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये स्किन में भी है, ब्लड में भी है, सलाइवा में भी है, तो उसकी वजह से जब बर्ड इकट्ठे खाना खाते हैं, एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, तो हेल्दी बर्ड से सॉरी बीमार बर्ड से हेल्दी बर्ड में ट्रांसफर हो जाता है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, एक से दूसरे को फैल जाती है। ये दो इसके तरीके हैं, एक वर्टिकल ट्रांसमिशन और एक है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। अब जो ये क्रॉप में भी जिंदा रहता है, उसके अलावा जो उसके पोटियां करते हैं, फीसेज हैं, विठों में भी होता है, उसके अलावा जो आपको पता है बर्ड पर अपने झाड़ते हैं, एनुअल मोल्टिंग करते हैं, मोल्ट के जरिए भी उसके अंदर भी ये जिंदा होता है, और उसके अलावा आपकी इसकी स्किन के अंदर भी ये होता है, लिहाजा बर्ड को आपने टच किया, दूसरे बर्ड आपके साथ बर्ड के साथ जुड़ते हैं तो वायरस की ट्रांसमिशन हो जाती है, उनमें से वो जो उड़ते हैं वो भी खतरनाक। बिल्कुल। तो नबील भाई ये प्रॉब्लम ये अभी जो है ना ये कुछ एक दो सालों में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आई है, कुछ अगर आप पीछे देखें तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, अभी वैसे लोगों ने जो है ना येलो रिंगनेक बहुत ज्यादा लगाया कुछ दो तीन सालों में, और मैंने देखा कि जब लोगों ने ज्यादा रिंगनेक लगाना शुरू कर दिया तो
बाहर से शिपमेंट्स आनी शुरू हो गई ना येलो होने की, स्पेशली साउथ अफ्रीका से जो है ना वो बहुत ज्यादा शिपमेंट्स आई इसकी येलो रिंगने की ये वो, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो है वो वहाँ का माल सारा इधर भेजो, इन्फेक्टेड जो बर्ड थे वो सारे इधर भेज दिए और वो जो है वो डिवाइड हो गए पूरे पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पे, और वो क्योंकि बड़े बर्ड में तो पता नहीं चलता कि उसमें ये वायरस है या नहीं है, जब उनके बच्चे आते हैं तभी जो है वो ऐसा है। एब्सोल्युटली आप मैं बिल्कुल सही जगह पे पॉइंट आउट किया। बेसिकली इसका हमें जब किसी बीमारी को देखना होता तो उसकी ना बैकग्राउंड में जाते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, लाइक कोरोना वायरस चाइना से स्टार्ट हुआ पूरी दुनिया में फैल गया, बिल्कुल ये भी एक वायरस ऐसा है कि जो एडल्ट बर्ड्स जो के किसी कैरियर थे लेकिन वो बाजार वो ठीक रहे कि उनका इम्यून सिस्टम ने इस वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप कर दी, लेकिन वो बाजार बिल्कुल ठीक बर्ड नजर आए। जैसे हम ये जो जो कोरोना वायरस है कुछ लोगों में तो बहुत ज्यादा जो ना इनफेक्टिव है क्योंकि वो कैरियर होते हैं लेकिन वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन वो दूसरों में जिनकी इम्यूनिटी डाउन है उनको अफेक्ट कर देते हैं, इनको कुछ नहीं होता, जो कैरियर है इनको कुछ नहीं होता लेकिन दूसरों पर लोगों को ये बीमारी फैला देते हैं। ये बिल्कुल ही ऐसे हुआ कि पहले इसके टेस्ट अवेलेबल नहीं थे बहुत सारी दुनिया में, जब इन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ी थ्रेट आ गई है ये वायरस, उनकी तमाम जो फ्यूचर की जो जनरेशन है ब्रीडिंग स्टॉक है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है, मोर्टेलिटी आनी शुरू किया है, तो उन्होंने फिर इसके टेस्ट करवाने शुरू कर दिए। अब पूरे यूरोप में यूके में या जब वर्ल्ड वाइड इसका एक बाकायदा टेस्ट कराते हैं, वो जितने भी बड़े शौकीन हजरात हैं जो प्रोफेशनल ब्रीडर्स हैं PBFD टेस्टेड बर्ड रखते हैं। अब हुआ ये कि जो आपने बात की कि जब आपने कंट्री की एग्जांपल दी, मैं ये नहीं कहता नेसेसरी वहाँ से हुआ, किसी भी जगह से हो सकता है, तो जितने भी फॉरेन जो थे शौकीन हजरात उन्होंने अपने बर्ड्स को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उनके बर्ड्स में जब PBFD डिक्लेयर हुआ तो उन्होंने बजाय कि अपने बर्ड को मार दें या तल्फ कर दें, उन्होंने हमारे कंट्री में जहाँ पे डिमांड थी, क्योंकि हर बंदा येलो रिंगनेक के पीछे पड़ गया था, सप्लाई डिमांड का चक्कर था, डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई हो नहीं रही थी, फिर जहाँ से भी इंपोर्टर ने बर्ड मंगवा सकते थे उन्होंने मंगवाया और वो PBFD टेस्टेड बर्ड नहीं था या उनका ऑलरेडी इफेक्टेड बर्ड था जो हमारे पाकिस्तान में आया और बड़े सस्ते दामों बिका, तो लिहाजा हुआ भी यही, ये जो फैला भी इसी वजह से फैला कि लोगों ने एहतियात नहीं की, सस्ते दामों या जैसे भी बर्ड मिलते थे इन्होंने खरीद रहे थे विदाउट नोइंग कि ये PBFD कैरियर है, या आज तक पाकिस्तान में कौन सा शौकीन है जिसने आज तक PBFD का टेस्ट कराया हो, किसी ने भी नहीं करवाया, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हिट एंड ट्रायल पे देखते हैं, बिलीव करते हैं, हम तो इन चीजों पे जाते ही नहीं है क्योंकि टेस्ट करवाएं, अब जो मॉडर्न है वो भाई टेस्ट करवाएं, इसको जनाब आइडेंटिफाई करें और रिलायबल ब्रीडर से एटलीस्ट टेस्ट नहीं करवा सकते तो ये जरूर करें कि ऐसे ब्रीडर्स हजरात के पास जाएं जो कि देखे वाले हैं, जो हमेशा से ब्रीड आती है और उनके बर्ड्स ठीक होते हैं, उनसे बर्ड्स लें, किसी भी ऐसे बर्ड, और ये लोग छुपाते हैं ये बताते नहीं है। अगर आपने किसी ऐसे ब्रीडर से बर्ड खरीदा जो कि आप बर्ड घर लेके आए, उनको फीड करवा के तैयार किया और उसको वो अपने उसने फीडर झाड़ दिए, तो आप उस ब्रीडर को बायकॉट कर दें, बिल्कुल भी जो है बिल्कुल सही बात, बर्ड लेने की जरूरत नहीं है, आप एक पैसे तो आपने जाया किए ही वो बर्ड खरीद के, लेकिन वो बीमारी भी आप अपने घर पे ले आए जो कि चांस है कि आपके सारे बर्ड देखें, इसमें कहते हैं कि नुकसान किया अकल कमाई, अगर आपने किसी ऐसे ब्रीडर से बेचारा उस कसूर उसका भी नहीं है बेचारे का, कसूर उस ब्रीडर का भी नहीं है क्योंकि वो तो बेचारा जो ना मेहनत करके पैसे खर्च के बर्ड लेके आया, उसे थोड़ी पता था कि ये हमारे साथ धोखा किया गया या हमारे साथ बर्ड गलत आया, लेकिन आपको इंतबाह हो जाना चाहिए कि भाई इस बर्ड के इस ब्रीडर के पास जो बर्ड्स हैं उनके बच्चों में ये फैदर डिजीज आती है, ज्यादा बल्कि उसे भी बताएं कि आप अपने बर्ड्स का टेस्ट कराएं और बाकी अपने बर्ड्स को इस बीमारी से महफूज रखें क्योंकि आपके बर्ड्स में ये फैदर डिजीज आती है, होता ये है कि वो चार पाँच छह घरों से जिमरान भाई बर्ड्स लेके आता जैसे मैंने इकट्ठे किए, वो होता क्या कि वो अलग अलग घरों से आया, अब आपको थोड़ी पता था कि उस घर से बच्चा जो आया है वो कैरियर है और यहाँ से बर्ड आया, ठीक है, तो कोशिश करें एक तो बर्ड्स को अलग-अलग रखें, जब हैंड फीड कराएं उनकी सिरिंज अलग हो, उनकी हाइजीन का ख्याल हो, कम से कम
एक एक जगह पे एक स्पेस में कम से कम बर्ड रखें, कम से कम सारे इंटरमिंगल ना करें, ताकि ये जो हॉरिजेंटल ट्रांसफ्यूजन होनी है एक से दूसरे को लगनी वो ना लगे। और स्पेशली जो आप जो बच्चे लेके आए आपको नहीं पता कि इनमें प्रॉब्लम है नहीं, इनको अपने शेड में कम से कम मत लेके जाएं। अपने घर का कोई नीचे का हिस्सा देखें, जैसे शेड आपका ऊपर है, घर हाँ। के नीचे किसी हिस्से में आपने ब्रूडर रखा, बच्चे वहीं तक रखें जब तक वो प्रॉपर सेल्फ नहीं हो जाते। कम से कम मेरे ख्याल 6 महीने के नहीं हो जाते आप उस पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करें। मेरे ख्याल 3 से 4 महीने में इसकी मैं आगे प्रोग्रेशन भी बताता हूँ डिजीज के कैसे होता है। सबसे अहम काम है पहले एक एक दो दो बच्चे लेके किसी भी ब्रीडर से देखें। जी जी, अगर तो वो उसके दो बच्चे उसके दो एक एक दो दो बच्चे सरवाइव हो जाते हैं तो उसे ज्यादा बर्ड बच्चे मत लें, दूसरे तीसरे से लें, ताकि एक को टेस्ट कर लिया फिर नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें जिसके बर्ड में बच्चों में बीमारी नहीं आई उसी से बर्ड लें, उसी को रिकमेंडेड करें, उसी को रिकमेंडेड करें। वरना होता यह है कि जब आप 2-4 चीजों से बर्ड लेके आते हैं आइडेंटिफाई करें, लिख लें कि ये बर्ड कहाँ से आए, ये बर्ड कहाँ से आए, ताकि ये क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो सके, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि इस बर्ड इस ब्रीडर के बर्ड में ये प्रॉब्लम है, इसके ब्रीडर के बर्ड में ये प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने दूसरी बात की जो कि बहुत अहम है कि आपने कहा 6 महीने इसकी प्रोग्रेशन होती है। एक्यूट केसेस में, एक्यूट केसेस में ये बर्ड थका थका होगा, बच्चा बच्चे को भूख नहीं लगेगी, बच्चा खाना नहीं खाएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा उसे बच्चे को, और 2 हफ्ते में उसकी मौत हो जाएगी। ये एक्यूट फॉर्म आई वायरस आया, 2 हफ्ते के अंदर आपके जितने भी हैंड फीडिंग बच्चे हो रहे हैं ना वो सारे के सारे मर जाते हैं, या एक दवा आता तो मरना शुरू हो जाते हैं। उसकी दूसरी जो क्रॉनिक केसेस है, देखिए हर इंसान की हर इंडिविजुअल की इम्यूनिटी डिफरेंट है, कुछ लोग उससे बच गए जो, और वो 6 महीने तक जिंदा रहे, उन्होंने साइन भी नहीं आने दिया, फेदर भी नहीं जड़े उनके, वो ठीक रहे, बजा ठीक रखे। अब वो क्या होगा 6 महीने बाद जो वो बर्ड पहली मोल्ट करेंगे उस वक्त वो आइडेंटिफाई होंगे। देखे कुछ बच्चे तो 2 हफ्ते के अंदर मर गए एक्यूट केसेस में, वायरस आया उसने ऐसे क्रॉस कंटेमिनेशन हुई, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन हुई और सबके सब मर गए, मर गए। उनमें से कुछ बच गए जो आप समझे वो ठीक हो गए, वो ठीक नहीं है, वो कैरियर है, वो पहला मोल्ट किया, वो कैरियर है। 6 महीने बाद वो जब मोल्ट करेंगे तो उनमें वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे और वो 6 महीने बाद भी वो मर जाएंगे। लिहाजा कम अज कम फर्स्ट मोल्ट का आपने इंतजार करना है, फिर जनाब आप जाके कह सकते हैं कि ये आपके बर्ड ठीक है कि या नहीं ठीक। जो जैसे मैंने कहा था इसकी ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट के वाले से साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा काम करना शुरू किया ऑस्ट्रेलिया में, इसके ऊपर वैक्सीन बनाने की कोशिश की, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के जिस तरह जो इसकी तबाहकारियां जा रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। तो पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह वैक्सीन में इंग्लैंड वाले बना रहे हैं, अमेरिका वाले बना रहे हैं, यूरोप में बना रही जा रही है, तो इसकी भी इन्होंने वैक्सीनेशन बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई खत्मी वैक्सीनेशन इसके लिए तैयार नहीं हो सकी, मतलब इसका इलाज नहीं है। इसका लिहाजा इसका आज तक टिल डेट कोई इलाज नहीं है। इसकी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सिर्फ इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। रिलायबल ब्रीडर से बर्ड खरीदें, अपने बर्ड्स को जो बाहर से इंपोर्टेड खरीदते हैं उनका PBFD का टेस्ट करवाएं, ताकि आपके हेल्दी फ्लॉक के साथ ना अंदर ना आए। सबसे अहम बात क्वारंटाइन के, जब नया बर्ड लेके आए उसे अपने दूसरे बर्ड्स के अंदर शामिल ना करें, उसको कोई 15-20 फुट दूर सेपरेट एक कॉलोनी बनाए या सेपरेट जगह में क्वारंटाइन करें, वो 3-4 हफ्ते तक उसे क्वारंटाइन करें और उसका टेस्ट ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करवाएं, अगर वो क्लियर है तो उसे अपने फ्लो का हिस्सा बनाएं, वरना उसका जो ना खत्म कर दें। अब इसको बचना कैसे, अगर आ गई है खुदा ना खास्ता आपके घर में आ गई है, आपके बच्चे इस तरह के निकल रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा इलाज कोई नहीं है, करना यह है कि आपने फौरी तौर पे, क्योंकि बीटों में भी है, फिशेज में भी है, फेदर्स में भी है, स्किन में भी है, ब्लड में भी है, सलाइवा में भी है, वो आपका क्रॉप में भी है, तो करना आपने फौरी तौर पे यह है कि वो जो बच्चे हैं बच्चों को तल्फ कर दें। तल्फ करने के लिए दो तरीके का तल्फ किया जाता है, इससे ना गड़ा खोद के इन्हें दफना दें, अगर कोई बच्चे मर जाते हैं उनको भी गड़ा खोद के दफना दें, जिस तरह प्रॉपर दफनाया जाता है छापर में डाल के इनको दफना दें। और उसके अलावा जो आपका इसका बक्स, जिस बॉक्स में थे बच्चे या जो प्रीमिसेज आपने यूज किए, जो बर्तन यूज किए, जो आपने गत्ते की चीजें यूज की,
तो उन बर्तनों को जला दें या उनको भी दफना दें, बोतल लेकर जला दें, उन जो बॉक्स हैं उनको भी आप जला दें, क्योंकि ये वायरस जैसा कि जिंदा रहता है, इसने हमेशा जिंदा रहना है, ठीक है। तो लिहाजा इसका एवाज तरीका ये है, इसको फौरी तौर पे जला दिया जाए, जो फीसिस है इसकी, सारा जो 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 भी इसकी डेब्रिस है, जितनी भी चीज़ें हैं इसकी, उनके गला खोदें, उसमें दफना दें इनको और बॉक्सिस को जला दें, फिर इस तरह आप आगे इसकी ट्रांसफ्यूजन को रोक सकते हैं। जी नबील भाई, ये जो है ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये हम सिर्फ रिंगनेक पे बात कर रहे हैं या और भी जितने बर्ड्स हैं, क्या ये जो वायरस है, ये जो डिजीज़ है, उनमें भी पॉसिबल है या सिर्फ रिंगनेक के बारे में बात कर रहे हैं? जुबरान भाई, इसके बारे में जो मैंने रिसर्च की, जो सारा मैंने पढ़ा, उसके मुताबिक सबसे पहले रेडरम्स में आई, ऑस्ट्रेलिया में तमाम जो कोकोटोज वैरायटी थी, कोकोटोज में लिटिल कुरिला, उनके सल्फर क्रस्टेड, वहाँ पे आई। अब आजकल आप देख रहे हैं कि इवन अफ्रीकन ग्रेज में भी आ जाती है, आपके अलेक्जेंड्रीम में भी आ जाती है, और उसके अलावा ये इससे लवबर्ड्स है, लवबर्ड्स में भी आ जाती है। ये बर्ड्स भी, पैरट स्पीशीज जितनी भी है, इस सबको इससे खतरा है। तो ये जैसे वायरस जो है ना, वायरस कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि वो काले को होगा, गोरे को होगा, एशियंस को होगा कि नहीं होगा, ये सबको होता है वायरस, तमाम पैरट स्पीशीज को। ये जो PBFD वायरस है, ये तमाम पैरट स्पीशीज को हो सकता है, इवन हॉक्स को हो सकता है, हर एक को। देखें, जिसका इम्यून सिस्टम डाउन होगा, वायरस ने क्या करना है, एक हेल्दी बर्ड्स के अंदर जाके उसके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करना है और उसको जनाब बीमारी लगानी है। अगर तो वो उस बीमारी से बच गया तो वो बन गया कैरियर, वो अपने दूसरों को, अपने साथ वाले दूसरों को ट्रांसफर करता रहेगा। मिसाल के तौर पर हमें एक रिंगनेक का पेयर हमने खरीदा, उसमें ये प्रॉब्लम था जी, और मेरे घर एक ही रिंगनेक का पेयर लेके आया, लेकिन मेरे घर जो है वो बजरीगर लबड़ जो लगे, सबको उनको आ सकता है ये, सबको। मैंने जैसे बताया हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है इसकी। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि एक बर्ड से दूसरे बर्ड को ही आपने बेसिकली रिंगनेक्स में क्यों ज्यादा आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्ट पाकिस्तान में किया गया है रिंगनेक। उसकी अब ब्रीड आनी शुरू हुई है, ब्रीड आनी शुरू हुई पिछले 2 सालों से इंपोर्ट होते रहे, अब ब्रीड आनी शुरू हुई है तो रिजल्ट आने शुरू हो गए, क्योंकि वो सारे कैरियर थे जिसकी वजह से तमाम होना। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक घर में किसी ने रिंगनेक्स नहीं रखे, उसने रा भी रखे हुए हैं, उसने जनाब दूसरे बर्ड्स भी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर ये तमाम बर्ड्स में फैलना शुरू हो गया। अंडा आने वाले सालों में आप देखेंगे ये रा को भी इफेक्ट किया जाएगा, बाकी आपके जो बर्ड्स हैं उनको भी इफेक्ट किया। लिहाजा अभी मौका है कि आप फौरी तौर पर जो आइडेंटिफाई करें डिजीज बर्ड क्या है, कौन कौन से आप इंपोर्टेड बर्ड्स लेके आए हैं, और उनको जनाब आप टेस्ट कर कोशिश करें, अपने बर्ड्स का टेस्ट कराएं। और मैं ये तमाम जो हमारे जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने वाले इदारे हैं, जो जहाँ पे टेस्टिंग होती है, या लाइक वो जो DNA टेस्टिंग जो करते हैं, इक्विपमेंट्स उन्होंने लगाए हुए हैं, कोशिश करें कि वो ये PBFD के भी टेस्ट करना शुरू करें, ताकि जो बच्चों, ये शौक है, ये जो हमारी हॉबी है, ये जो हमारा प्रोफेशन है, आगे जाके फ्रूटफुल हो, ना कि ये लोगों का जो ना दिल खराब हो और वो इस हॉबी से भाग जाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने तो बच्चे बेच दिए, उसका नुकसान तो हुआ ही हुआ, हाँ। लेकिन बेसिकली आपसे स्टार्ट हुआ और आपके पास जो मजीद पेयर है उनमें कितना जो है वो नुकसान हो सकता है, हाँ। तो नबील भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक जो फ्रेंच मोल्ट है और PBFD है, क्या ये दोनों सेम है या फ्रेंच मोल्ड भी एक अलग डिजीज है? देखिये, फ्रेंच मोल्ड भी एक काइंड ऑफ वायरस डिजीज है, और ये तो क्लियर जो है ना, ये जो वीक एंड फैदर डिजीज है वो भी इसी तरह है, लेकिन हर बर्ड में इसके जाहिर होने की खासियत डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे रिंगनेक्स में आप देखते हैं इनके पर झड़ गए, इनके जनाब इनको भूख नहीं लगी, इसको डायरिया हो गया, बर्ड बच्चा मर गया। या बड़ों में भी है तो लैक ऑफ एपिटाइट, उनको भूख नहीं लगती और वो सोके का शिकार होकर मर जाते हैं और अपने सारे पर झाड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो वज्रीगर में जो फ्रेंच मोल्ड जिसको कहते हैं, बच्चे निकलते हैं चौथे, वो मोर और लेस एक ही तरह की डिजीज है। उसमें भी ये होता है कि आप देख रहे हैं उसकी टेल नहीं निकलेगी, उसके सर के पर निकलना हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसे फ्रेंच मोल्ड कहते हैं। जबकि पूरी दुनिया में, साउथ अफ्रीका में भी इवन, और वर्ल्ड वाइड जितने भी जो फैंसियर हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ब्रीडर्स हैं, वो भाईजान सबसे पहले PBFD टेस्ट कराते हैं, और उसके बाद फिर जो ना बर्ड को लेके आते हैं, वो लेके आने के बावजूद उसको क्वारंटाइन करते हैं 4 वीक के लिए, फिर अपने फ्लॉक का हिस्सा बनाते हैं। तो हमेशा एहतियात बेहतर है,
बजाय के अपना नुकसान करने के लिए, ना सिर्फ इसमें अपना नुकसान होता है, हॉबी का नुकसान होता है, और ये जो जो बच्चे हैंड फीड कराते हैं, थोड़ी सी इनकम करते हैं बेचारे, उनकी जमा पूंजी भी नुकसान हो जाती है। बिल्कुल, उनका जो हौसला है वो टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नबील भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो इतनी कीमती बातें की, शायद मैं जो है वो अकेला बैठ के ये बातें नहीं कर सकता था, जैसे आपने समझाया वैसे मैं नहीं समझा सकता था आप दोस्तों को, और ये बहुत ही अहम टॉपिक था। और आप दोस्तों से जो है वो लास्ट पे यही रिक्वेस्ट है कि आप जिससे भी बर्ड ख़रीद रहे हैं, जिससे भी बच्चे ख़रीद रहे हैं, मेक श्योर कर लें कि उसके वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो छोटा ब्रीडर है या वो बड़ा ब्रीडर है या फिर बहुत बड़ा ब्रीडर है। ये प्रॉब्लम किसी के बर्ड में भी आ सकती है, स्पेशली जिन्होंने इम्पोर्टेड बर्ड्स लगाए हुए हैं, इम्पोर्टेड बर्ड जो लगाए हैं। इसमें मैं जबरान भाई एक बात ऐड करूँगा, सॉरी आप कट यू, कि लोग ना पता है जो फैंसियर हजरात हैं, जो ब्रीडर हजरात हैं, उन्हें पता है कि ये मेरे बर्ड में ये बीमारी आती है, लेकिन वो बेसिकली बताते इसलिए नहीं है कि अगर हम बताएंगे तो हमारा कारोबार मुतासिर होगा, लोग हमसे बच्चे लेने बंद कर देंगे, इसलिए वो किसी को बताते ही नहीं है। नॉर्मली जो बड़े शौकीन नजर आते हैं वो फौरी तौर पे इस तरह के बच्चे किसी को गिफ्ट कर देते हैं या छुपा देते हैं, दिखाते नहीं है, ब्रोकर हजरात को जो देते हैं वो फ्रंट पे नहीं आते हैं, वो फ्रंट पे नहीं रहते, अपना अपना। आपने कोशिश यही करनी है कि आप जो है वो इससे बचने के लिए आप डायरेक्ट जो है वो ब्रीडर से ही खरीदें, इसी सबसे बेहतर है। आप किससे खरीद रहे हैं, उसने 50 बच्चे 40 बच्चे उठाए, उसको भी नहीं पता कि उसने कहाँ कहाँ से उठाए, और आपके पास जो प्रॉब्लम आई वो किस ब्रीडर से आई वो आपको नहीं पता। सबसे अहम बात जो आपने अगर खरीदना ही है, बर्ड खरीदना है, कोशिश करें एक एक साल के पट्टे ले लें, साल साल के, ताकि वो क्यूट फेज में से भी गुजर चुके हों और क्रॉनिक फेज में जो 6 महीने बाद फर्स्ट मोल्ड के बाद जो इनके पर सारे झड़ने हैं वो भी ना झड़े। तो कोशिश ये करें कि एक एक साल के पट्टे खरीदें, जो कि एटलीस्ट उनके कम से कम मरने के चांसेस हैं, क्योंकि वो फर्स्ट मोल्ट गुजार चुके हैं और अब वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं और सर्वाइवल के चांसेस उनके ज्यादा हैं। उस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट भी जाया नहीं होगी। सस्ती चीज की तरफ मत जाएं, कोशिश करें कि रीजनेबल पैसे खर्चें और एक एक साल के पट्टे खरीदें, क्योंकि आपने उनको अगले 10-15 साल उनसे ब्रीड लेनी है। और आप भी सेफ रहेंगे और आप जिसको बच्चे देंगे वो भी जो है वो सेफ रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया नबील भाई आपका, आपने हमें टाइम दिया। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए और बहुत सारे ब्रीडर्स के लिए। तो जितना जो है वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो में। तो इजाज़त दीजिए नबील भाई को और मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।